मुहर्रम पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय ने की कलेक्टर से कार्यक्रम करने की मांग। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा मुहर्रम का पर्व। मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम के पर्व पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर जिला कलेक्टर से मांग की है और उन्होंने कहा है कि तारागढ़ स्थित 4 से 5 नंबर गेटों को खुलवाया जाए तथा मुहर्रम में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अनुमति दी जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एसपी ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा और न ही हम इसकी अनुमति देंगे। सर, किस तरह की बैठक थी और क्या निर्णय रहा? देखिए, मुहर्रम से संबंधित जो भी बॉडीज थी उन सभी को बुला करके आज कलेक्टर साहब के द्वारा एक मीटिंग ली गई है, जिसमें कि बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें कि उन्हें बताया गया है कि अभी इस माह के अंत तक कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान खुले हुए नहीं है और सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है। उन्हें इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और मीटिंग ख़त्म होने के साथ साथ उन्हें यह भी बताया गया कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक रस्म हो जो कि आपके धार्मिक स्थल के अंदर होती हो तो वो रस्म उसी दायरे में रह करके एक दो लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पूरी की जा सकती है, जैसे कि हम और रस्मों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस बात को उन्हें बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वो लगभग सभी को स्पष्ट हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से हम इन गाइडलाइंस को बार बार सभी आयोजनों के ऊपर बताते रहे हैं, तो वो आज फिर से उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है। उन्हें बताया गया कि अपने साथियों को भी बताएं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कोई ऐसा प्रोसेशन निकालने की कोई डिमांड या अन्य ऐसी कोई बात नहीं करे कोई, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है कि धार्मिक आयोजन, किसी भी तरह का आयोजन हो, वो अभी 31 तारीख इस महीने के अंत तक नहीं किया जा सकता। तो सर, ये स्पष्ट है कि जो प्रशासन की तरफ से जो हथियार हाईडोज के लिए दिए जाते हैं वो नहीं मिलेंगे? इस बार हाईडोज का आयोजन नहीं हो सकता है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक आयोजन है और ऐसा कोई भी आयोजन जो है इस कोरोना के समय और इस जब तक कि हमारे सामने धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश हैं तब तक ऐसा कोई आयोजन कहीं पर भी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकता। ऐसी भी बात आ रही कि उच्चाधिकारी या सीएम या मंत्री से कोई लिखवा के लिए आता है तो फिर ऐसा आयोजन होगा जैसे बताया जा रहा है कि उस पर तारागढ़ तो हो रहा है? देखिए, तारागढ़ में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ज़िले में जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, सभी के लिए नियम समान है। जो कि आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई लिखा करके ले आता है, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस पहले ही जारी की हुई हैं। अगर सरकार अपनी गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन करती है और कोई नए गाइडलाइन जारी करती है तो भले ही उन नए गाइडलाइन के हिसाब से कोई कार्यक्रम हो जाए, अन्यथा ऐसा कहीं से कोई लिखा करके लाने वाली कोई परंपरा नहीं है। अभी तक हमें ऐसी कोई भी निर्देश अलग से प्राप्त नहीं हुए हैं किसी भी क्षेत्र के लिए या किसी भी पर्टिकुलर धर्मस्थल के लिए, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन यदि कोई गाइडलाइन में परिवर्तन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वर्तमान में जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन बहुत ही स्पष्ट है, उन गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए सभी इस तरह के आयोजन जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। आज आने वाले मुहर्रम के ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी, उसमें हम लोग यहाँ पर शरीक हुए। दरगाह से खुद्दाम हजरात, अंदर कोर्ट से अंदर कोटियान के जो पंचायत के रहनुमा हैं वो, और तारागढ़ से लोग आए थे। तो हमने मुहर्रम के जो प्रोग्राम हमारे होते हैं 20 अगस्त से लेकर के और 10 दिन के जो मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं वो सारे हमने प्रशासन के सामने रख दिए हैं। 29 तारीख को हमारे यहाँ पर चौकी दूती है, 1 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक हमारे यहाँ मजलिस होती है, 8 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 3 दिन तक हमारे यहाँ पर ताजिए की सवारी होती है, वो सारे प्रोग्राम हमने रख दिए हैं। और हमने ये रिक्वेस्ट की है राजस्थान सरकार से, कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि दरगाह शरीफ के अंदर खोला जाए, कुछ लोगों को रियायत दी जाए, कम से कम 100 लोग जो है एक वक्त में दरबार में जाएं और हमारा 4 नंबर और 5 नंबर गेट जो है वो खोल दें ताकि वहाँ के लोगों को जाने में, ज्यारत करने में आसानी हो। और जितने प्रोग्राम हमारे एक जगह बैठ कर के होते हैं उसमें लोगों की तादाद जो है सोशल डिस्टेंस को मेनटेन रखते हुए जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोगों को परमिट किया जाए, ये हमने पुरजोर तरीके से प्रशासन के सामने रख दिया है। अब उसके बाद में जैसा भी अल्लाह को मंजूर होगा, मौला को मंजूर होगा, उस तरीके से हो जाए। मुसलमान जो हर तरीके की जगह ताड़ा करके अंदर घूमने जाते हैं तो कुछ मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं उसको बताया गया, प्रशासन की ओर से सिर्फ ये कहा गया है तो ऊपर से गाइडलाइन नहीं होता, गाइडलाइन के अलावा कुछ नहीं होगा। दरगाह में कोई रस्मों का हिसाब है तो हिसाब के साथ उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम सरकार की जिसने वो नहीं होगा वो भी जिस दिन आ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा।